हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। सो कल से इंडियन सुपर लीग का नया सीजन चालू होने वाला है और हम सबको होता है ये बार 12 नहीं बल्कि 13 टीम्स होने वाली है। जी हाँ, मोहम्मद स्पोर्टिंग क्लब अपना डेब्यू सीजन खेलने वाली है और आज के वीडियो में हम आ चुके हैं एकदम कठिन एकदम मुश्किल काम करने, दैट इज टू प्रिडिक्ट द टॉप सिक्स, टू प्रिडिक्ट कि भाई लास्ट कौन फिनिश आएगा, आईएसएल कप विनर कौन होगा, आईएसएल शील्ड कौन होगा। और यार देखो, एक चीज तो आई गेस आप लोगों ने भी नोटिस की होगी और मैंने खुद ने नोटिस की, जब आप टीम्स को देखोगे ना आपको लगेगा कि भाई ये भी आ सकती है वो भी आ सकती है, हर कोई टीम आ सकती है टॉप सिक्स में, हर कोई टीम शायद से आईएसएल कप ट्रॉफी जीत सकती है। तो भाई ये वाले वीडियो में लेट्स स्टार्ट प्रेडिक्शन करने के लिए और टॉप सिक्स के जाएंगे तो भाई आई गेस मेरे को लगता है कि नीचे नीचे से जाएंगे, ठीक है, तो 13 से लेके ऊपर फर्स्ट तक जाएंगे और मैं आपको बताने वाला हूँ कि आईएसएल कप और आईएसएल शील्ड मुझे क्या लगता है कि कौन जीतेगा। तो भाई मैं 13 पे लाया हूं मैं द डेब्यू सीजन, जी हाँ दोस्तों, जिसका डेब्यू है मोहम्मद स्पोर्टिंग क्लब। अभी तक थिंग इज दैट मैं ऐसा लग रहा होगा कि मैं हल्के में ले रहा हूँ मोहम्मद स्पोर्टिंग क्लब को, मुझे ऐसा लगता है कि दे विल फिनिश थर्ड। पहला सीजन है, यू नेवर नो कि कुछ भी हो सकता है, आई नो दे कैन सरप्राइज, मैं ऐसा नहीं बोल रहा, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि मोहम्मद स्पोर्टिंग क्लब 13 फिनिश करेगी, दैट इज लास्ट। ऐसा नहीं कि गंदा खेलेगी, ठीक है, मैं नहीं बोल रहा कि गंदा ही खेलेगी, दे विल डू बेटर, दे विल गेट विंस, वो शॉक देगी, वो सरप्राइजेस भी देगी, बट मुझे ऐसा लगता है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा टाइट है और पंजाब एफसी भी अभी ज्यादा एक्सपीरियंस हो चुकी है और हैदराबाद एफसी, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे, बट आई गेस मोहम्मद स्पोर्टिंग क्लब 13 पे आएगी, लेट्स सी कि क्या होता है। उसके बाद मैं हैदराबाद को 12th पे रखा, अभी इसका रीजन क्या है, बिकॉज दे हैव गॉट सम एक्सपीरियंस इंडियन प्लेयर्स और तो उनके पास फॉरेन साइनिंग्स भी आ चुके हैं, ठीक है, तो नाउ दे आर लुकिंग लाइक अ स्टेबल क्लब जिसमें फॉरेनर्स वगैरह है। सो आई डू थिंक सो कि यार हैदराबाद एफसी ये बार थोड़ा अच्छा कर पाएगी एंड आई गेस दे विल बी फिनिशिंग 12th विद द हेल्प ऑफ द फॉरेन प्लेयर्स एंड ऑल्सो इंडियन प्लेयर्स जो उन्होंने साइन किए डिसेंट बोल सकता हूँ, तो उसके मुझे लगता है कि भाई दे विल फिनिश 12th, तो 12th पे हैदराबाद एंड 13 पे यू कैन गो विद मोहम्मद स्पोर्टिंग क्लब। 11th पे यहाँ पर मैं लाऊंगा भाई जमशेदपुर एफसी, जी हाँ दोस्तों, जमशेदपुर एफसी को मैं 11th देख रहा हूँ। नाउ द थिंग इज दैट कि अभी अगर कोई आपका क्लब है, ठीक है, आपको लग रहा है कि मैं हेट कर रहा हूँ या तो मैं हल्के में ले रहा हूँ, सी द थिंग इज दैट ना अभी मैं कौन से क्लब का मैं नाम लूंगा कि ये पोजीशन में ना आपको बुरा ही लगेगा अगर आप वो क्लब के फैन हो, बिकॉज ये बार बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन है दोस्तों, ये बार बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन है एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो भाई मैं जा रहा हूँ यहाँ पर 11th पे जमशेदपुर एफसी में, यस दे हैव गॉट अ गुड स्क्वाड, उन्होंने काफी अच्छी साइनिंग भी की है, खाली जमील के अंदर काफी अच्छा करेंगे, बट आई गेस दे विल फिनिश 11th, मुझे ऐसा लगता है। ऐसा नहीं बोल रहा कि हल्के में, या तो दे विल डू सम सरप्राइजेस, बड़ी बड़ी टीम्स को हराएगी, बट एट द एंड दे विल फिनिश 11th। 10th में मेरे को लगता है पंजाब एफसी, जी हाँ, अभी ये अगर आप बात करें पंजाब एफसी, मुझे ऐसा लग रहा है पंजाब एफसी एंड बाकी के जो क्लब्स है, जमशेदपुर आई डोंट थिंक सो, या तो जमशेदपुर भी आप इंक्लूड कर सकते हो, जमशेदपुर, पंजाब, नॉर्थ ईस्ट, केरला वैसे, ये जो टीम्स है ना, ये सब और भी बहुत टीम्स है, तो वो लोग टॉप सिक्स के लिए लड़ेंगे, बट 10th स्थान पे मुझे ऐसा लग रहा है कि पंजाब एफसी फिनिश करेगी। दे विल गो टुवर्ड्स एंड, ठीक है, वो लोग आगे तक जाएंगे, दे विल फाइट, बट अल्टीमेटली आई गेस जो बोलते हैं ना कि भाई वो लोग 10th में आ जाएंगे। और मैं आपको रीजन दूंगा कि ये सब क्यों टॉप सिक्स में नहीं आ पाएगी, उसका रीजन मैं अभी बस थोड़े मिनट में देने वाला हूँ। तो मुझे लगता है कि 10वें पे पंजाब एफसी फिनिश करेगी। नाउ द थिंग इज दैट कि लास्ट टाइम पंजाब एफसी के फॉरेनर्स ने बहुत कमाल किया था, बट ये बार अगर उनको टॉप सिक्स में आना है उनको लगेगा मदद ऑफ इंडियन प्लेयर्स, जी हाँ, ये बार ऐसा नहीं कि फॉरेन प्लेयर्स ही कैरी कर रही टीम को, मेरे को देखना है कि भाई इंडियन प्लेयर्स भी हेल्प करें एंड इंडियन प्लेयर्स भी कॉन्ट्रीब्यूट करें, सो दैट कैसा है कि फॉरेन प्लस इंडियन और वो मिला के दे माइट गो फॉर द टॉप सिक्स। लेकिन मेरे को लग रहा है कि वो 10th पे फिनिश करेंगे। 9th पे यहाँ पर ऑब्वियसली सबको शॉक मिलेगा भाई, 9th पे आई एम गोइंग विद ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब, जी हाँ दोस्तों, ये सुन के आप लोगों को मुझे पता है कि भाई आप लोगों को शॉक लगा रहेगा, अगर आप फैन हो वो क्लब के ईस्ट बंगाल के तो आप लोग मुझे गाली दोगे, बट आई डू थिंक सो, क्या द थिंग इज ना ईस्ट बंगाल, केरला, नॉर्थ ईस्ट, ये सब की जो चीज है ना इनकी लैक ऑफ कंसिस्टेंसी, जी इनमें कंसिस्टेंसी नहीं है रिसेंट ईयर्स में, देखो आई नो ये पर का स्क्वाड अच्छा है, बट द थिंग इज कि लैक ऑफ कंसिस्टेंसी एंड ईस्ट बंगाल आपको पता है कि एएफसी चैलेंज लीग में भी खेलने वाली है, तो आई डाउट कि वो लोग सही से हैंडल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, बिकॉज पहले से वो लोग कंसिस्टेंट रहते नहीं है एंड प्लस ये बार ये लोग एशिया में खेलेंगे, प्लस अनवर अली का मुझे पता नहीं कि क्या सीन है क्या नहीं है, बट आई डू थिंक सो कि दे विल फिनिश 9th पोजीशन पे। अगर अच्छा परफॉर्म करते हैं मैं तो बोलूंगा कि यार आप एशिया में अच्छा परफॉर्म करिए, दैट विल बी रियली इनफ फॉर मी। तो भाई 9th में मैं जा रहा हूँ यहाँ पर ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब। 8th पे मैं जा रहा हूँ यहाँ पर केबीएफसी के साथ, जी हाँ दोस्तों, केबीएफसी एक ऐसी टीम है जो जिसको लगता है कि भाई हर साल ये बार हम लोग ट्रॉफी जीतेंगे, बोलो ट्रॉफी नहीं जीतते, एंड आई एम रियली सॉरी केबीएफसी फैन, ये बार भी मुझे लगता है कि केबीएफसी विल फिनिश 8th पोजीशन पे एंड
द थिंग मैंने वही बोला लैक ऑफ कंसिस्टेंसी, ये लोग स्टार्टिंग ऑफ द सीजन में ऐसे लगते हैं कि भाई अच्छा करते हैं, बट आपने लेगा लास्ट सीजन, यस इंजरी सबकी होती है, इंजरीज आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम, बट द थिंग इज कि वो इंजरी के टाइम में आपके प्लेयर्स कितने स्टेप अप होते हैं एंड आप कितना कंसिस्टेंट रह पाओगे, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डिमेंटो का लास्ट टाइम था, बट केबीएफसी में ये पर देखना पड़ेगा, नोया है, लूना है, बट आई डू थिंक सो कि दे विल फिनिश एट पोजिशन पे, जैसे कि मैंने बोला यस दे विल फिनिश एट एंड सेवंथ पे, यहाँ पर मैं जाऊंगा नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के साथ। जी हाँ दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड विल फिनिश सेवंथ एंड जैसे कि मैंने बोला जो सेवंथ एट नाइन टेंथ इलेवन ये जो भी टीम्स है, तो ऐसा नहीं कि लोग बहुत गंदा करेंगे, दे विल डू गुड, ठीक है, लेकिन द कंसिस्टेंसी तो आपको देखने मिलेगा कि भाई दो मैच लोग जीत रहे हैं बट फिर से दो मैच हार रहे हैं, एक मैच जीत रहे दो मैच हार रहे, तो ऐसा कंसिस्टेंसी मुझे ऐसा लगता है कि लोग लैक करेंगे, दे विल लैक द कंसिस्टेंसी एंड दैट्स वाई दे विल नॉट बी एबल टू गो टू टॉप सिक्स। बट मैं बता रहा हूं, आपको चुनौती दे रहा हूं कि ये बार भी पांच से छह या तो चार से पांच टीम से होने ही वाली है जो कि टॉप सिक्स में फाइट करेगी एंड लास्ट डे पे हम लोग को मालूम पड़ेगा कि अच्छा ओके ये हो गया टॉप सिक्स मेरे को लग रहा है, बट आई विल गो फॉर नॉर्थ ईस्ट से ये क्या उसको, हाँ एट पे केबीसी हो गया, ठीक है एट पे केबीसी हो गया और सेवन पे मैं जा रहा हूँ नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड। नाउ द थिंग इज दैट कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के पास ना They have got every reason to go into the top six because उनका momentum काफी अच्छा है, start of the season they have won the trophy and एकदम शानदार तरीके से जीता है। I really want, दिल से तो मैं चाहता हूँ भाई, दिल से अगर आप मुझे पूछे कि दो teams जो top six में है, मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई I want North East United and Punjab FC, but North East United will just fell short, but एक inch के लिए या तो एक point के मुझे लगता है या तो goal difference पे they will go to the top seven, sorry seven पे position करेंगे and they will not reach the top six। अब आ जाते हैं भाई टॉप सिक्स पे, भाई जो छठे साल पे है वो मेरे को लग रहा है चेन्नई एफसी। अभी चेन्नई एफसी का मैं खुल्लम खुल्ला बोल रहा हूँ, एक थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर पे है, तो मुझे लग रहा है कि चेन्नई एफसी सिक्स पोजीशन पे फिनिश करेगी। लास्ट टाइम गिर गिरा के कैसे ना कैसे करके वो उन्होंने टॉप सिक्स पा लिया था, बट ये बार ओवन कॉयल है और टीम में बहुत रीबिल्ड हो रहा है, यंग प्लेयर्स को भी लिया है उन्होंने, फॉरेन प्लेयर्स को भी लिया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ओवन कॉयल ये बार कुछ जादू कर सकता है एंड दे विल इवेंचुअली गो इनटू द टॉप सिक्स, दिस इज व्हाट आई फील। बट मेरा एक चीज है भाई, मैं जब भी सीएफसी से या तो चेन्नई एफसी से होप करके बैठता हूं, ये लोग मुझे डिसअपॉइंट कर देते, आई होप कि ये बार ना करें, बट हाँ चेन्नई एफसी सिक्स पे रहेगी। नाउ फिफ्थ पे कमिंग ऑन टू एक टीम में बोलूंगा जो भी आप लोग हंसोगे, दैट इज बेंगलुरु एफसी। जी दोस्तों, बेंगलुरु एफसी का भाई लास्ट टाइम ना भाई एकदम घटिया बदतर सीजन था एंड कोई देखना भी नहीं चाहता था उसके मैचेस, बट ये बार मुझे ऐसा लगता है टीम काफी बैलेंस है, यू हैव गॉट एक्सपीरियंस प्लेयर्स जिन्होंने आईएसएल में अच्छा किया, एग्जांपल मुंबई सिटी के प्लेयर्स, आपके जो फॉरेन प्लेयर्स है वो भी काफी अच्छे हैं, प्लस यू हैव गॉट यंगस्टर्स, तो दे विल डू गुड। मुझे ऐसा लगता है कि फिफ्थ पोजिशन पे इट विल बी बेंगलुरु एफसी एंड दे विल बी कमिंग अप, तो फिफ्थ में मुझे लग रहा है बीएफसी एंड नाउ कमिंग ऑन टू टॉप फोर। बाय फोर्थ पोजीशन में मैं रखना चाहूंगा यार एफसी गोवा को। एक मेन जो इंपॉर्टेंट रीजन वो ये है कि यार देखो उनका जो कोच है मनेलो मार्केस, क्या वो हैंडल कर पाएगा, ठीक है क्या वो क्लब और कंट्री को हैंडल कर पाएगा, बिकॉज सी देखो कंट्री का तो आपको पता ही है कि क्या हालत हो रही है, तो कंट्री में वो आधा बंदा डिप्रेस हो जाएगा, प्लस उसको फिर क्लब को संभालना है, तो मुझे ऐसा लग रहा है आई नो ही इज अ प्रोफेशनल, वो प्रोफेशनल वो उसको इसके लिए बनाया है, बट थिंग इज दैट कि इट विल लिटिल बिट थोड़ा ना एक्स्ट्रा हो जाएगा ये अपना मनेलो मार्केस के लिए एंड गोवा सुपर टीम, दे विल डेफिनेटली गो फॉर चैलेंज, ठीक है ये जो टॉप फोर टीम्स में आपको बताऊंगा, ये टॉप फोर टीम्स दे विल डेफिनेटली चैलेंज द आईएसएल शील्ड कप ट्रॉफी के लिए भी जाएंगे, बट फोर्थ पोजीशन में मुझे ऐसा लगता है कि एफसी गोवा विल फिनिश। एंड नाउ कमिंग ऑन टू थर्ड पोजीशन, दैट इज ओडिशा एफसी। जी हाँ दोस्तों, ओडिशा एफसी सेम मैं बोलूंगा, दे विल चैलेंज फॉर आईएसएल कप ट्रॉफी, दे विल चैलेंज फॉर आईएसएल शील्ड ट्रॉफी एंड ओडिशा एफसी की अगर बात करोगे, दे हैव अ परफेक्ट स्क्वाड, बैलेंस स्क्वाड है, सभी प्लेयर्स को पता है, कोच को पता है, कोच और प्लेयर्स ने उनके आधे प्लेयर्स ने तो भाई दे हैव वन आईएसएल शील्ड, दे हैव वन आईएसएल कप ट्रॉफी, तो उनको एक्सपीरियंस की कमी नहीं है, इट्स जस्ट दैट कि एक साथ ऐसे टीम कैसे खेलेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका यूगो बूमर्स जो इन्होंने साइन किया वो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर होगा, तो थर्ड पे ओडिशा एफसी रहेगी एंड मे बी मेरे को ऐसा लगता है आईएसएल शील्ड ने, पर आईएसएल कप ट्रॉफी है ना भाई, कप ट्रॉफी उसमें वो आगे जा सकती है या तो फाइनल में भी जा सकती है, उसके अगर बात करेंगे। सेकंड स्थान पे देखो, सेकंड स्थान पे इट्स वंस अगेन मोहन बगान सुपर जायंट्स एंड मुंबई सिटी, ये दोनों के बीच में मुझे ऐसा लग रहा है कि आईएसएल शील्ड होगा। यस, स्टार्ट ऑफ द सीजन में यू विल सी डिफरेंट टीम्स की जो कि ऊपर है अच्छा कर रही है, बट अल्टीमेटली टुवर्ड्स एंड मुझे लग रहा है कि मुंबई सिटी एंड मोहन बगान सुपर जायंट्स ये दो टीम होगी जो कि कंपीट करने वाली है, एंड सिर्फ एक रीजन मुझे लग रहा है जो जिसके वजह से मोहन बगान सुपर जायंट्स विल फिनिश सेकंड, दैट इज एशिया। देखो कैसा है ना, एज अ टीम डेफिनेटली आप पॉजिटिव सोचोगे हम लोग जाएंगे एशिया में, वी विल डू एशिया, बट कैसे एशिया के छह मैचेस आपको खेलने पड़ेंगे वो भी हाई इंटेंसिटी वाले, प्लस आपको आईएसएल में भी कंपीट करना पड़ेगा, यू हैव स्क्वाड, यू हैव प्लेयर्स, बट द थिंग इज दैट कि कोई कोई जगह आपका एक इंडियन सेंटर बैक नहीं है, प्लेयर्स अगर इंजर्ड हो गए, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मोहन बगान सुपर जायंट्स आई गेस एशिया में दे विल गो ऑल आउट, ठीक है वो लोग करेंगे, ऐसा नहीं कि भाई हाँ हम लोग का कुछ औकात नहीं है तो हम लोग करेंगे नहीं, दे विल पुश
ठीक है, वो लोग अपना 100% देंगे और वही 100% के बीच में मुझे ऐसा लगता है कि बीच बीच में थोड़ा इनकन्सिस्टेंसी उनके उनमें आ जाएगी इन आईएसएल, ऐसा इज व्हाट आई फील। तो दैट्स व्हाई वो एक मेन रीजन है जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि मोहन बगान सुपर जायंट्स विल फिनिश सेकंड एंड फर्स्ट पे आई विल गो फॉर मुंबई सिटी एफसी। यस दे हैव गॉट वीकनेस, उनके पास वीकनेस है, उनका फुल बैक्स नहीं है, बट आई गेस पीटर रेड की जो लास्ट ईयर उसने किया था विद डेस बकिंग उनका टीम के साथ, वो ये बार अपने खुद की टीम के साथ करेगा। दे हैव गॉट प्लेयर्स, इट्स जस्ट दैट कि उनको बैलेंस फाइंड आउट सही से करना है। तो मुझे लग रहा है कि मुंबई सिटी विल डेफिनेटली फिनिश फर्स्ट एंड भाई ये मेरे टॉप 13 या तो टॉप 6 के प्रेडिक्शंस रहे, मैंने सब एक साथ बता दिए हैं। अभी इसके ऊपर ऑब्वियसली आप लोग गाली दोगे, तो आईएसएल शील्ड डेफिनेटली मुंबई सिटी। आईएसएल कप मुझे ऐसा लगता है कि इट विल बी बिटवीन ओडिशा एफसी एंड मुंबई एफसी। मुझे ऐसा लग रहा है कि ओडिशा एफसी या मुंबई सिटी या तो आप मोहन बगान सुपर जायंट्स पकड़ लो। तो ये जो टीम्स है, ये तीन टीम्स जिसका मैंने नाम लिया, ओडिशा एफसी, मोहन बगान सुपर जायंट्स एंड मुंबई सिटी, ये तीनों के बीच में फाइनल होगा एंड द विनर विल बी ओडिशा एफसी। जी हां, ओडिशा एफसी विल बी विनिंग द आईएसएल कप चैंपियंस या तो ट्रॉफी, आप जो भी बड़ा ट्रॉफी वो बोल लो, तो वो लोग वो जीतेंगे। बाकी आई गेस और कुछ है नहीं मेरे हिसाब से, गोल्डन बूट तो वगैरह यार देखो आई डोंट वांट टू, मेरे को बोलते हैं मेरे को प्रेडिक्ट करना होता नहीं है, द इंडिविजुअल अवार्ड्स आई विल लीव ऑन यू कि आप लोग बताना कि आप लोग क्या है, बट यार दिस आर माय प्रेडिक्शंस, और कुछ तो भूल नहीं रहा इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ आई गेस सब कुछ तो है ही भाई, तो भाई बताइए आप लोग की क्या प्रेडिक्शन है दोस्तों, आप लोग मेरे से खुश हो या ना खुश हो, आपका क्या प्रेडिक्शन है फ्रॉम फर्स्ट टू 13 आईएसएल विनर, आईएसएल कप विनर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलेंगे एक और नए वीडियो में, जब तक आप आपका एंड आपके फैमिली का ध्यान रखिएगा एंड गेट रेडी फॉर ब्लॉकबस्टर सीजन ऑफ इंडियन सुपर लीग 2024 एंड 2025।